भाभी आपका इस नए घर में स्वागत है। बंटी नारियल तो फोड़ो। ये क्या है? अरे नारियल खराब होगा रामू काका, आप इसे साफ कर देना। चले मैं अभी एक मिनट में जला देती हूँ, कोई बात नहीं। अनु तू रहने दे, तू भाभी का ध्यान दे, वो बहुत थकी हुई है। चलिए भाभी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भैया भैया दरवाजा खोलिए। भैया ठीक है ना? भैया क्या हुआ आपको? भैया बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस अब अनु की बारी है, उसे भी धीरे धीरे अपने वश में करना है और फिर सारे परिवार की तबाही। भैया भाभी बंटी प्लीज सब जल्दी नीचे आइए। क्या हुआ? ये देखिए। ये क्या है? ये तो डॉल्स है और ये बिल्कुल हमारी जैसी लग रही है। कितनी अजीब बात है, ये भी तीन और हम भी तीन। आप, मैं और अनु। भाभी आप यहीं थे क्या? क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ भाभी हो। साहब ये सब काला जादू टोला टोटका का सामान है। क्या रामू काका आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे खेलने आते उन्होंने रखा होगा, कुछ घबराने की बात नहीं है। साहब मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई है जो इस परिवार का बुरा चाहता है। हमें शुद्धि और पूजा करवानी चाहिए। रामू काका कैसी अंधविश्वासी बातें करते हैं आप। चलो चलो चलो। किसी ने मजाक किया होगा। हाँ हाँ घबराने की कोई बात नहीं। क्या ये तस्वीरें राजेश जी की शादी के पहले की? हाँ। इसका मतलब ये काला साया आपके भैया के साथ पहले से ही। इसमें आपकी भाभी का कोई दोष नहीं। इस साया ने उनको भी अपने कब्जे में किया हुआ। तुम्हें अपने भैया को नहीं बल्कि अपनी भाभी को भी बचाना है। अपने भैया को बुलाओ, उनको समझाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। हेलो भैया, भैया आप जल्दी से घर आ जाओ। दिव्या तुम? अनु घर पे नहीं है? मैं यहाँ अनु से नहीं तुमसे मिलने आई हूँ। काजल याद है ना? मैं काजल की छोटी बहन हूँ। बहुत प्यार करती थी ना मेरी बहन तुमसे, लेकिन उसको ये भी पता था कि तू उससे प्यार नहीं करता और इसीलिए तुझे पाने के लिए उसने काला जादू शुरू किया। काला जादू करते करते एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तेरे वजह से मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई और अब तुझे इसकी भरपाई अपने पूरे परिवार को खोकर करनी पड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।